हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर आपके साथ नरेश आहूजा कर रही है बात। तो फ्रेंड्स, लाइफ इज़ ए मिस्ट्री। जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर डरने की कोई बात नहीं है। रहस्य इसलिए ही होते हैं कि हम उनको ओपन कर पाएँ। वो एक चैलेंज होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर्स हैं। अगर चैलेंज ही नहीं होंगे तो इस पावर का हम करेंगे क्या? तो आप अपनी पावर से अपनी ज़िंदगी को किसी भी मुकाम पर ले जा सकते हैं, और अगर उसी पावर को आपने सही से समझ लिया, उसका सही से प्रयोग कर लिया, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपका हर सपना साकार हो सकता है। आपके पास सोचने, समझने की, कल्पना करने की अद्भुत शक्ति है। वही मन जिससे आप परेशान रहते हैं, सिर्फ परेशानी इसलिए कि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं ढंग से। हमने अपनी सोचने विचारने की शक्ति का ढंग से प्रयोग ही नहीं किया। बात बड़ी सिंपल है, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। यही बात है, आप कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर यही मिलेगा आपको। आप अपने मन के दर्पण में अपने आप को झांक कर देख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और कैसे होता है। ये आप अनुभव बहुत इजीली कर सकते हैं। और आपको पता है, आजकल तो साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है जो आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। और शुरू से ये बात हमें सुनने को मिल रही है कि वॉट एवर वी थिंक वी बिकम। उसके बावजूद हम अपने सोचने समझने की शक्ति को ध्यान से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन लोगों ने इस शक्ति का प्रयोग किया, सोचने सोचा समझा ध्यान से, उन्होंने वो हमारे लिए आज आदर्श हैं। और जिन्होंने इस शक्ति को मनमाने तरीके से प्रयोग किया, इस एनर्जी को, इसके खतरों को नहीं समझा, इसको बैलेंस नहीं करा, तो उन्होंने भी रिकॉर्ड अपने कायम किए। लेकिन वो किस तरह के, वो थोड़ा इस तरीके से कि वो हमारे सबके लिए अच्छे अनुभव नहीं है फॉलो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम महाभारत को ही लेते हैं। उसमें हमारे जीवन में जो भी आज हो रहा है, वो हजारों साल पहले से भी वही हो रहा था। तो तब भी हम ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन माइंड, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे ही चल रही थी। लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही चल रही थी। और सोचना भी बड़ा पार्शल सा था, सिर्फ स्वार्थ का, स्वार्थ तक सीमित था। तो महाराज धृतराष्ट्र के साथ जो कहानी शुरू हुई महाभारत की, वो कैसे हुई थी? उनकी सोच में क्या था? उनकी सोच में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरा बेटा दुर्योधन सिंहासन पर बैठे। तो इस सोच ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच आपके सपने साकार करती है, लेकिन आपकी सोच आप पर इतना हावी भी हो जाती है कि आपकी सारी एनर्जी भी डिप्लीट कर सकती है। आपके पास जो है ना, सपने लेके आपने कुछ बनाया, उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती है। क्योंकि आपकी सोचने की पावर आपके सुनने की शक्ति को, देखने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। बहुत गहरा कनेक्शन है इन सब चीज़ों के बीच में। ये हम इनको अपने बॉडी सिस्टम को, हम चाहे वो ऊर्जा है, चाहे बोलने की शक्ति है, और चाहे सुनने की है, चाहे देखने की है, जो सारा हमारा सिस्टम है, अगर हम इसको बैलेंस करके इसको तरीके से यूज़ करते हैं, तो तभी हमें मन चाहे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर हमें ये कंप्लेंट भी नहीं रहती कि मेरा सपना ये साकार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस तरह से इनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इनका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे महाराज धृतराष्ट्र के पास क्या था? उनके पास आंखें नहीं थी कहने को, लेकिन कहते हैं ना कि मन की आंखें हजार होती हैं। तो उन्होंने मन की आंखों से क्या सपना देखा था? सपना देखा था कि मेरे पास मेरा जो बेटा है वो सिंहासन पे बैठा हुआ है ना, बस सब कुछ उसके नाम हो जाए, सब इतना बड़ा सपना देखा। और ऐसे हम भी, उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था राज्य पाने का, और हम थोड़े और थोड़े छोटे स्तर के सपने देख लेते हैं। लेकिन सपने देखते देखते क्या होता है,
हम अपने उद्देश्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन की मर्यादा को, जो भी जीवन में अच्छा है, संतुलन को हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच की शक्ति हमें पूरी तरह अपने घेरे में ले लेती है। अब देखो, अब कहने को महात्मा विदुर जी उनके साथ थे, उन्होंने कितना समझाया था धृतराष्ट्र जी को, महाराज को, कि आप महाराज ऐसे करिए, कितना समझाया था उनको, लेकिन उन्होंने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें किसी की बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो वो हमारा भी ध्यान को, हमारे विचार को बदल सकती है, और कहीं हम गलती कर सकते हैं तो हम किसी से जानकारी लेकर, किसी की बात को ध्यान से सुनकर हम राह भटकने से बच सकते हैं। तो ऐसा संभव था, समझाने के लिए उनको बहुत सारे महात्मा उनके साथ थे जो बार बार उन्हें समझाते थे, लेकिन उन्होंने समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने तो बस सबको ये समझाना चाहा कि मैं ये चाहता हूँ, सिर्फ सुनना उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा। क्या सुनते थे वो? जब हमारे विचार जैसे होते हैं, हम सुनते कैसे हैं कि जो दुर्योधन के हित में बात करेगा हम उसकी बात सुनेंगे, वही बात हमें सुनने में मीठी लगेगी, और किसी ने उसके खिलाफ बात कह दी तो उसी बात से हमें वो अपना अच्छा नहीं लगेगा, वो लगेगा कि ये तो मेरा मित्र नहीं है, वो सोचते तुम तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसे जैसे वो कर रहे थे, वो हमें ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे, हमारा मन भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो इस तरह से अब देखो, अब हम उनको लेते हैं, महारानी लेते हैं, तो उन्होंने जब ये उनके मन में विचार आया कि मेरे पति जब नहीं देख सकते हैं तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी, तो ये उनका विचार था। उनको भी सबने समझाने की कोशिश की थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इवन महाराज ने खुद बोला था कि मेरी आंखें नहीं, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप ऐसा मत करें, लेकिन उनकी विचार शक्ति ने, उनकी संकल्प शक्ति ने उनको ये निर्णय लेने पर मजबूर किया कि नहीं प्रिय, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मैं भी इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगी। तो क्या हुआ, उनके विचार की वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो उन्होंने एक तो ये उनके विचार की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगर उन्होंने संसार को नहीं देखा इन आंखों से तो क्या हुआ, देखो प्लस माइनस पॉइंट्स देखो। तो उनकी जो सारी एनर्जी जो कि पूरे संसार को देखने में जाती, वो एनर्जी क्या हुई, वो सारी इनसाइड उनके कलेक्ट होनी शुरू होगी, तो उनका सारा जो ध्यान अंदर की ओर ही जाने लगा, यानी यात्रा संसार की बाहर, हमारी जहाँ भी ध्यान जाएगा हम उधर ही चलने लगते हैं। तो उनका जो ध्यान है वो अंदर जब जाने लगा तो उनकी इतनी शक्ति इकट्ठी हो गई, उनकी इतनी ऊर्जा अंदर इकट्ठी हो गई कि जब दुर्योधन को उनकी अपनी माँ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी शक्ति को उस पर प्रयोग किया। वो कौन सी शक्ति थी, वो उनके पास ही थी ना, वही शक्ति जो कि वो अगर बाहर यूज कर लेते तो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने अगर उसको अंदर की तरफ रखा तो वो शक्ति उनका क्या बन गई, वरदान बन गई उनके लिए। तो ऐसे हमारी शक्तियाँ हमारे लिए वरदान भी बनती हैं और अभिशाप भी बनती हैं। अब देखो अभिशाप कैसे बन जाती हैं हमारी शक्तियाँ, हमारे विचार। अब द्रौपदी को देखो, हमारे विचार जब किसी के प्रति, हमें सत्कार हमारे मन में नहीं है तो हम किसी की हंसी उड़ाते हैं, तो जाने अनजाने क्या होता है, हमारे विचार जो है हमारे बॉडी लैंग्वेज को भी, हमारी बातचीत को भी कैसे प्रभावित करते हैं। तो द्रौपदी ने क्या बोला दुर्योधन को कि अंधे की औलाद अंधी, और आपको पता है इस बात से ही महाभारत का जन्म हुआ। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वही हमारे सुनने, बोलने और देखने की शक्ति को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, तब हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। तो बहुत ज़रूरी है ये सब हमारे लिए कि अगर हमने अपने विचारों का सही इस्तेमाल करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो हर चीज़ पर ध्यान दें, हर चीज़ को हम संतुलित करके देखें, सुने भी ध्यान से, देखे भी ध्यान से और बोले भी ध्यान से। और इससे बड़ा क्या ध्यान होगा जो हमें ध्यान में ले जाए, जो हमारी ज़िंदगी को संवार दे, इससे बड़ा तो कोई ध्यान हो ही नहीं सकता। तो आप अपने सोचने की शक्ति को बहुत सोच समझ कर यूज़ करें, क्योंकि ये आपको बना भी सकती है, ये आपको बिगाड़ भी सकती है, ये आपको सब कुछ दे भी सकती है और आपसे सब कुछ
ले भी सकती है, तो सारे हिस्ट्री को देखते हुए, अपनी ज़िंदगी के अनुभव को देखते हुए कि वही विचार लाएं जो आपकी उन्नति में, प्रोग्रेस में आपका सहयोग करे, आपको खुशियाँ दें, आपके जीवन को आगे बढ़ाएं, ना कि जो मिला हुआ है उसको भी ख़त्म कर दें। अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिए, आँखों के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलचाल द्वारा इसका उतना ही प्रयोग करिए जितना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना इसको संभाल के रखिए। संभाली हुई चीज़ें बड़े काम की चीज़ें होती हैं, पता नहीं कब हमारे काम आ जाएं, और इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके इतना सारे अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन में मौज करें। फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।